केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा उपश्रम आयुक्त कार्यालय पर 2 दिवसीय महापड़ाव के दौरान मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया गया। कचहरी स्थित उपश्रम आयुक्त कार्यालय पर केंद्रीय श्रम संगठनों के उत्तर प्रदेश प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से 9 और 10 अगस्त को महापड़ाव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संयुक्त रूप से 2 ज्ञापन उपश्रम आयुक्त मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद के माध्यम से भेजे गए, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मजदूर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा, न ही उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया गया और न ही प्रदेश में श्रम कानूनों का सही ढंग से पालन हो रहा है। इस मौके पर 18 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन समिति का गठन किए जाने के लिए प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किए जाने, इंजीनियरिंग होटल बीड़ी कालीन डिस्टिलरी और शुगर उद्योग में वेतन पुनरीक्षण के लिए समितियों का गठन किए जाने, नियमित प्रकृति के काम पर रखे गए संविदा आउटसोर्सिंग ठेका मजदूरों को नियमित किए जाने वाले समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने, समस्त मजदूरों को अनिवार्य रूप से वेतन पर्ची ESIPF कार्ड दिए जाने सहित उनका रजिस्ट्रेशन किए जाने की मांग उठाई गई। महापड़ाव कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन धरने को संबोधित करते हुए मजदूर नेता संजय नारंग ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज तक पूरा नहीं कर पाए, ये हमारे देश के जितनी भी पार्टी है, जितने भी नेता हैं, ये इनका कार्य रहा। आज की जैसे कॉमरेड ने भी बताया, कृषि कानून, वो 3 कृषि कानून नहीं थे, संसद में एक साथ 3 कृषि कानून, काले कृषि कानून और 4 लेबर कोड्स, लेबर संहिताएं रखी गई, जो संसद के अंदर राज्यसभा लोकसभा में पास करा के राष्ट्रपति से साइन भी करा लिए गए, लागू नहीं किया गया। किसानों के आंदोलन की वजह से किसान जिस तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ा और बैठ गया बॉर्डर पे 1 साल से ज्यादा, सरकार को यू टर्न मानना पड़ा। सरकार ने 3 कृषि कानून रद्द किए, लेकिन लेबर संहिताएं ये रद्द नहीं करी है, लागू नहीं करी है अभी, लेकिन कानून बना हुआ है, जिस दिन चाहेंगे लागू कर देंगे। और जिस दिन ये लागू हो गया, आप लोग के जितने अधिकार है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या जितने भी जितने अधिकार मिले हुए हैं आज की तारीख में, वो खत्म हो ही जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। एक बंधुआ मजदूर की तरह पहले काम करते थे, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां काम करेंगी। हम लोग कहते हैं आज की तारीख में जिस तरीके से सरकार ने व्हाट्सएप पे नए नए ग्रुप बना करके चला रहे हैं, जिस तरीके से एक मैसेज चल रहे हैं, जिस तरीके से पब्लिक के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, अगर हम लोग नहीं जागे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमें गालियां देंगी, कोसेंगी कि जब देश बिगड़ा था तो हमारे बाप दादा क्या कर रहे थे। महापड़ाव कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए मजदूर लीडर विजयपाल सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया जाए। साथियों, ये 2019 से ड्यू है, आज 2023 हो गया, ये 2023 में न्यूनतम वेतन जो है वो संशोधित होना चाहिए था, वृद्धि होनी चाहिए थी उसमें, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। तो सबसे पहली मांग यही है। दूसरा है श्रम कानूनों, प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए, मतलब जो कानून है उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। नंबर 3 है इंजीनियरिंग होटल पीली कालीन डिस्टिलरी व शुगर उद्योग में वेतन पुनरीक्षण के लिए समितियों का गठन किया जाए। नियमित प्रकृति के काम पर रखे गए संविदा आउटसोर्स ठेका मजदूरों को नियमित किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये एक बहुत प्रमुख मांग है और बहुत बड़ी मांग है आज की तारीख में, क्योंकि ये जो संविदा कर्मचारियों का अगर सवाल है, अगर प्रदेश में ही देखें तो इनकी संख्या कम से कम 2.5 से 3 लाख है, और अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखो तो इनकी संख्या करोड़ों में। अगली है नंबर 5, समस्त मजदूरों को अनिवार्य रूप से वेतन पर्ची ESIPF कार्ड दिए जाएं, रजिस्टर में उनका नाम दर्ज हो, मंत्री को और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित है। ये ज्ञापन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हम केंद्रीय श्रम संगठन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि 9 व 10 अगस्त 2023 के महापड़ाव के माध्यम से आपका ध्यान मजदूरों की निम्नलिखित समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आपसे इस मौके पर शरीफ अहमद, इस्लाम अली, संजय, HN मिश्रा, मोहम्मद ताहिर, साथ ही मोनू और राजेंद्र सहित अनेक मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।